अगर आप अपनी पुरानी कुर्ती से बोर हो चुके हैं और उसे फिर से नए रंग में रंगना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में और मैं हूँ आपकी दोस्त अपर्णा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक बेसिक से कुर्ते को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैब्रिक पेंटिंग के साथ। ये है वो कुर्ता जिसे हमें कन्वर्ट करना है फैब्रिक पेंटिंग से। मैंने मधुबनी पेंटिंग करने के लिए सोचा है। सबसे पहले कुर्ते को आप धो लें, उसके बाद आयरन कर लें। मैंने इसके नीचे एक MDF बोर्ड लगाया है। आप चाहें तो चार्ट पेपर या कोई मोटा गत्ता भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने पेंसिल से कुछ डिज़ाइन मार्क कर लिए हैं। आप चाहें तो ये डिज़ाइन गूगल इमेजेस या पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। सभी डिज़ाइन मैंने बिल्कुल बेसिक चुने हैं क्योंकि हम बिगनर हैं और जब हम मधुबनी करते हैं तो उसमें बहुत ही डिटेल वर्क रहता है। अगर हम ये सोच कर डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें काम करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसके अलावा जो चाहिए वो है पेंट ब्रशेस, डॉटिंग टूल्स एंड फैब्रिक कलर। एक रफ क्लॉथ भी चाहिए। सबसे पहले हम बॉर्डर को आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर से, उसके बाद ज़िगज़ैग डिज़ाइन से इसको भरेंगे। हर एक ट्रायंगल में कुछ खड़ी लाइनें और उसके ऑपोजिट हम सेमी सर्कल बना रहे हैं। सारे बॉर्डर्स की जितनी भी आउटर लाइंस हैं उनको हम डबल आउटलाइन करेंगे। ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं और साथ के साथ भी। बाकी के डिज़ाइन आप यहाँ से देख के फॉलो करें। जितने भी पैटर्न्स आप यहाँ देख रहे हैं एकदम बेसिक पैटर्न्स हैं जिन्हें आप आसानी से बना पाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम इसमें डबल आउटलाइन करेंगे। जितने भी स्पेस खाली बचते हैं उनको हम कुछ इस तरह से भर देंगे और उनमें हम आड़ी या तिरछी लाइनें भर देंगे। और इस तरह से जब हम आड़ी तिरछी लाइनों से डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं तो इसको हम कचनी कहते हैं। ये देखिए एक लाइन जो तैयार हुई है वो इस तरीके से। इसके बाद हम लीफ का पैटर्न बना रहे हैं, इसकी भी हम डबल आउटलाइन करेंगे और फिर तिरछी लाइनों से लीफ के अंदर के पैटर्न बनाएंगे। बाकी के डिज़ाइन भी आप देखेंगे कि बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन है जो हम डूडलिंग करते हुए या कोई दूसरे डिज़ाइन बनाते हुए अक्सर यूज़ करते हैं। हम चाहें तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं मधुबनी में, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। मैं जो है बहुत ही बेसिक डिज़ाइन रखती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस आर्ट में अभी बिगनर ही हूँ। इस बॉर्डर को मैं सर्कल्स के साथ कंप्लीट करूँगी और उसके अंदर एक खाली जगह छोड़ी जाएगी जिसमें हम कलर भर सकें। ब्लैक कलर से काम ख़त्म होने के बाद हम इसमें दूसरे कलर्स यूज़ करेंगे। ये देखिए इसके बाद फिर एक लेयर जो है लीफ के पैटर्न की होगी, उसके बाद हम और काम करेंगे। सर्च करना चाहें तो हम गूगल इमेजेस और पिंटरेस्ट से बहुत से डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने अब डॉटिंग टूल से कुछ डॉट्स बनाने शुरू कर दिए हैं अलग अलग रंगों से, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। आप भी चाहें तो अपने पसंद के रंगों से इस तरह से डॉट्स से जो खाली स्पेसेस हैं उनको भर सकते हैं। इससे बड़ा सुंदर इफ़ेक्ट आता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप टूथपिक या ईयरबैग भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं येलो कलर से कुछ स्ट्राइप्स बना रही हूँ। पैटर्न्स के अंदर जब हम रंग भरते हैं तो उसको हम भरनी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जब अपने पैटर्न्स को लाइनों से भरते हैं तो उसको हम कचनी कहते हैं। इस तरह से मधुबनी को दो तरीके से बनाया जाता है, कचनी और भरनी। इस कुर्ते में मैंने बारी बारी से कचनी और भरनी दोनों को इस्तेमाल करते करते अपना डिज़ाइन पूरा किया है। और ये देखिए रेड कलर लगने के बाद रंगों की छटा कुछ अलग है। डैश डैश से पहले मैंने इसको कवर किया है और उसके बाद उसको पूरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आउटलाइन करना या रंग करना दोनों काफ़ी आसान हो जाते हैं। और ये देखिए अब तक का हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा लग रहा है।
अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो पहले कलर करने के बाद उसके बाद आप आउटलाइन कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप कलर भरें और उसके बाद ब्लैक कलर से डिटेलिंग करें, जैसा आपको ठीक लगे। मैं पहले आउटलाइन बना के फिर कलर करती हूँ। डॉटिंग टूल से कुछ और डॉट्स बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप डॉट्स बना रहे हैं तो आपका हाथ पिछले डॉट पे ना पड़े। डॉटिंग टूल को उठाते हुए आप डिज़ाइन बनाएं। अब तक का हमारा तैयार शोल्डर डिज़ाइन कुछ ऐसा है, बाकी के पैटर्न हम आगे देखेंगे। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को इतना भी रख सकते हैं, पर मैं इसको आगे तक बनाऊंगी। ये मैंने जो बटन पट्टी है उसके दोनों ओर डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। सेमी सर्कल बनाया है और उसके बाद फ्लावर्स की कुछ पेटल्स बनाएंगे हम, और इस डिज़ाइन को हम चेक से भरेंगे। इसके बाद फिश का पैटर्न और कुछ फूलों की बेल। ये फूल कुछ ऐसा बनेगा, इसमें हम डॉट्स से आगे पैटर्न बनाएंगे। जब हम फैब्रिक पेंटिंग करते हैं तो जो हमारा क्लोथ होता है या कपड़ा होता है उसके रेशे ब्रश के साथ लिपटते रहते हैं, तो इसलिए हमें बार बार ब्रश क्लीन करना पड़ता है। और जब हम उसको धोते हैं तो उसको अगर हम अच्छे से पोंछे ना तो कुछ ऐसा हो जाता है जैसा आपने अभी देखा। तो हमेशा जब भी हम ब्रश धोएं उसको अच्छे से हम पोंछ लें। मैं सभी अपनी गलतियां जो मैंने इस प्रोजेक्ट में की हैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रही हूं, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं। फिश का पैटर्न पूरा हो गया है, इसमें हम कुछ और कलर भरेंगे। फूल के अंदर आड़ी और खड़ी लाइनों से हम चेक बनाएंगे और उन चेक में अलग अलग रंगों से डॉट डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ये देखिए, डॉट्स के साथ ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। फिश के अंदर भी हमने डिटेलिंग डॉट्स के साथ कर दी है। आप चाहें तो अपनी पसंद से कुछ और डिटेलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से ब्लू डॉट्स के बाद हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है। फिश की डिटेल भी हमने कर दी है। इसके बाद हम कुछ रंग भरेंगे और इस तरह से फूलों की बेल तैयार है। फूलों को तैयार करने के बाद मैं उसमें येलो कलर भरूंगी और कुछ पत्तियां बनाई जाएंगी। पत्तियों को ग्रीन कलर से करेंगे और उसके बाद कुछ डिटेलिंग करेंगे ब्लैक आउटलाइन से। और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन अब कंप्लीट होने को आया। फैब्रिक पेंटिंग करते हुए हमें थोड़ी पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि जब तक एक कलर सूखता है हम काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम बारी बारी से अपना जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ छोड़ के दूसरी जगह रंग भरते हैं। फैब्रिक पेंटिंग से सजे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उसके बाद ये एहसास कि हमने खुद कुछ किया है। क्रिएटिव होना वैसे भी बहुत अच्छा है, और इस पेंडेमिक में सबको क्रिएटिव होने का मौका मिला है। तो प्रेजेंट सिचुएशन से डरें, घबराएं और हताश ना हो, कुछ क्रिएटिव करें और देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है। मन को सुकून मिलता है और क्रिएटिव रहने की वजह से आप में पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लीजिए, हमारा ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है और ये हमारी गोल्ड फिश भी तैयार हो गई है। तो चलिए देखते हैं पूरा बन के ये कैसा लगता है। मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत ही मज़ा आया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी अपनी एक ड्रेस फैब्रिक पेंटिंग से ज़रूर तैयार कीजिए। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।